मैं आप स्वागत करना चाहती हूँ हमारे अगले गेस्ट को, मिस्टर मोहित गौर जी. प्लीज हमें स्टेज पर ज्वाइन कीजिए. वेलकम टू इन्फ्लुएंस. थैंक यू फॉर बीइंग विद अस. सो आपके काम के बारे में हमें प्लीज कुछ बताइए. तो मैं गाने बनाता हूँ, है ना. ओके. और मेरे जितने भी गाने होते हैं जो मैं बनाता हूँ, सारे मेरी ही स्टोरी पर बेस्ड होते हैं. मतलब मेरे साथ कुछ भी चीज़ होती है, मुझे कोई भी चीज़ दिल पे लगती है, कोई भी इंसान पसंद आता है, उसी कोई बात पसंद आती है, उन सब चीज़ों पे जो भी मेरे आसपास हो रहा होता है उन पे मैं गाने बना देता हूँ. तो ऐसे गाने बनाता हूँ, कुछ पोइम्स लिखता हूँ, गाने गाता हूँ. तो आपके गाने लिखने के लिए, पोइम्स लिखने के लिए आपने वीडियो बनाकर यूट्यूब को एक प्लेटफॉर्म जैसे यूज़ करना कब से सोचा? ये मैंने 2016 से 2016-17 से मैंने स्टार्ट किया था प्रॉपरली मेरे चैनल को डेवलप करना. ये मेरी इच्छा थी यार, कि मतलब मैं ऐसे ही सोच रहा था कि मुझे अपनी लाइफ का टाइम ना, अगर मुझे 10 सेकंड भी देना है, 10 मिनट भी देना है या 10 दिन भी देना है, तो मैं किस चीज़ में देना चाहता हूँ. तो मेरे मन में ख्याल आया कि यार मैं ना गाने लिखने को, पोइम्स लिखने को और गाने को, इसको मैं अपना सारा टाइम देना चाहता हूँ. और मैं अपनी तरफ से या अपनी तरह से दुनिया को सुनाना चाहता हूँ, किसी और की तरह से नहीं. प्रेशर में आकर नहीं कि ऐसा नहीं, इस गाने को ऐसा बना दो, उसके लिरिक्स चेंज कर दो. नहीं, मेरे दिल ने जो लिखा है, जो मेरे को महसूस हो, मैंने लिख दिया और वही मेरे को मेरी ऑडियंस को सुनाना है. तो इसलिए मैंने खुद का यूट्यूब चैनल बनाने का सोचा कि यार मैं खुद का यूट्यूब चैनल बनाऊंगा और खुद के तरीके से लोगों को सुनाऊंगा अपनी चीज़ें. तो 3 सालों में कभी ऐसे भी हुआ है कि आपको लाइक कभी आइडियाज़ नहीं सूझे और आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ता है यूट्यूब पर, तो आपने उस टाइम कैसे मैनेज किया? नहीं यार, मैं तो है ना कैसा है कि अपनी फील से करता हूँ, और मेरे पास ऑलरेडी इतने सारे गाने हैं ना. मतलब मेरे पास अभी तक आए सिर्फ 4-5 है, पर अपन ने बनाए 600-700 गाने. 15 साल से मैंने और कुछ नहीं किया. मैं 15 साल से गाने बना रहा हूँ, 14-15 साल से. तो जो भी कुछ आइडिया, कुछ भी चीज़ हिट करती है दिल पे, तो अपन उस पर गाना बना देते हैं. तो गानों की कभी कमी नहीं पड़ी, कॉन्टेंट की कभी कमी नहीं पड़ी. और कुछ चीज़ें थी जो मेरे को मतलब सोचनी पड़ती थी कि यार अच्छा ये चीज़ अभी है, अभी मेरे को इस चीज़ को टाइम देना है. तो थोड़ा सा गैप आने लग गए, पर अब मैं वापस से एकदम, मतलब क्या, एकदम फुल फॉर्म के साथ में आ रहे हैं अपन. और सितंबर से अपने गाने रेगुलर बेसिस पे आने लग जाएंगे अपने यूट्यूब चैनल पे. तो आपको आज का इवेंट का माहौल कैसा लग रहा है, इवेंट कैसे एंजॉय कर रहे हैं? बहुत ही शानदार, मतलब मैं क्या कहूँ. और सबसे प्यारी बात तो ना कि मैं पलाश सर का बहुत बड़ा फैन हूँ, यूफोरिया बैंड का. तो मैंने इवन जब मैं गाना शुरू करा था ना लाइफ में, तो उनके मायरी सॉन्ग और उनके सॉन्ग अब ना जाओ बहुत गाए थे मैंने. तो उनको मैं स्टेज पर देखा करता था, और आज उन्हीं के साथ में एक स्टेज पर बैठने को मिला, बातें करने को मिला, उनको एकदम पास से सुनने को मिला. तो मतलब मैं तो वैसे ही, यही मेरे लिए बहुत काफ़ी था. पर उससे भी प्यारी बात ये रही कि मेरे ही बहुत ही अच्छे दोस्त और जिनको मैं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, इतने अच्छे अच्छे आर्टिस्ट, मिहिर जोशी भैया, डीनो जेम्स भैया, आलोक भैया, वो सब वहाँ स्टेज पर थे, हम सब साथ में थे, हम सब ने बातें करी. तो उनके साथ में ये जो एक पूरा माहौल जो जमा, और लोगों ने इतने प्यार से सुना हमारी सारी बातों को, हमारी सारी जो भी हम कहना चाहते थे, उनसे शेयर करना चाहते थे, तो इतनी प्यार से सुना, तो मैं तो ऐसे ही खुश हो गया. मतलब तो मैं बहुत मजे में हूँ अभी. मतलब ऐसा तो YouTube ने आपके लिए ये पॉसिबल करी है कि आपके जो स्टार्स थे उनके साथ आपको एक प्लेटफॉर्म शेयर करने मिला आज. तो अगर आज आप किसी यूट्यूबर को एक मैसेज देना चाहते हैं जो अभी अभी स्टार्ट आउट करें, तो वो क्या मैसेज होगी? मैं ना तो मैं उनको यही कहना चाहता हूँ जो मैंने जिस अच्छा तो कैसा होता है कि मैं जो एक्सपीरियंस कर सकता हूँ या जो मैंने महसूस किया, मैं वही बता सकता हूँ. तो मैंने ही महसूस किया कि ना YouTube मैंने इसलिए शुरू किया था क्योंकि मुझे खुद की बात खुद के तरीके से कहनी थी, उसमें एडल्ट्रेशन नहीं चाहिए था मुझे. मुझे कोई बात कहनी है, मुझे कोई पोएट्री कहनी है, मुझे कोई गाना कहना है, तो मैं अपने अंदाज से कहना चाहता था. तो जितने भी यूट्यूबर्स हैं, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं शो के ज़रिए से, मीडियम से, मैं उन सबसे यही कहना चाहता हूँ कि जो आपकी इच्छा है ना वो करो. जो चीज़ मैं आपको लगता है कि यार ये चीज़ में मेरा मन लग रहा है, ये चीज़ में अपना टाइम और अपनी दिल, अपनी मेहनत इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप वो करो. YouTube उसके लिए ना बहुत प्यारी जगह है कि मतलब बस बोल दो, बस कर दो. बहुत बहुत सही कहा आपने, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच आने के लिए.